हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट किशन थापा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube मोनेटाइजेशन रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सो बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि अगर हमारा चैनल एक साल से ऊपर हो गया, उसके बाद अगर हमारे जो क्राइटेरिया है वो मेट होता है, तो क्या हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं YouTube मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि YouTube मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस 4000 आवर्स का वॉच टाइम इन लास्ट 12 मंथ्स। इसका मतलब है कि आपके चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और साथ ही साथ लास्ट 12 महीने में आपके चैनल में 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। सो गाइज, यहाँ पे इस क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है और कैसे आप जान सकते हो कि आपको चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स कब हुए। फॉर एग्जाम्पल, आपके चैनल में 1000 सब्सक्राइबर 9 मंथ में हो गए, 8 मंथ में हो गए, एक साल से पहले ही हो गया। तो ऐसे में अब आपको फोकस करना है कि आपका 4000 घंटे कब होता है। अगर आपका 12 महीने से पहले ही हो गया तो वेल एंड गुड, आप इजीली अपना चैनल मोनेटाइज कर पाओगे। और फॉर एग्जांपल, अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर 12 महीने के बाद हुए, फॉर एग्जांपल आपका 13 महीने में हो गया, 14 महीने में हो गया, तो क्या अब भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ कि आपके चैनल में पहले आपने देख लिया कि आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं वॉच आवर्स की। तो मैं बताता हूँ, वॉच टाइम में आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो देखा जाएगा आपके लास्ट 12 मंथ्स में, मतलब आज से लेके लास्ट 365 दिन के अंदर अगर आपके चैनल में 4000 घंटे का वॉच टाइम आ गया है तो वेल एंड गुड है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो कैसे काउंट होगा? तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं 8 मार्च 2021 को, तो ये जो काउंट होगा वॉच टाइम वो होगा 8 मार्च 2020 से। तो तब से लेकर अब तक अगर मेरे चैनल में 4000 घंटे का वॉच टाइम आ गया है तो वेल एंड गुड है, मेरा अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा, मे बी एक महीने के अंदर अगर आ गए तो एक महीने बाद हो जाएगा, पर आएगा। तो इसका कोई सा क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक साल में नहीं किया तो अब आपको एक साल और वेट करना पड़ेगा। जैसे आपके 1000 सब्सक्राइबर काउंट हो जाते हैं, उसके बाद आपके जैसे ही 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाता है लास्ट 365 दिन के अंदर, तो वैसे ही आप मोनेटाइज कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइज, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आपको एक साल वेट नहीं करना, सिंपली आपको 1000 सब्सक्राइबर करने हैं और साथ ही साथ लास्ट के 365 दिन में करना है, ना कि तब से जब से आपने YouTube ज्वाइन किया था। तो जैसे आपके लास्ट 365 डेज में 4000 घंटे का वॉच टाइम हो गया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया और अब आप अच्छे खासे मतलब अर्निंग कर सकते हो अपने YouTube चैनल। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, आज हम इस वीडियो का जो टारगेट है वो रखते हैं 50 लाइक्स का, तो प्लीज़ ऐसे पूरा कर देना क्योंकि मैं इस तरह से आपके लिए मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को, तो इसी तरह 50 लाइक्स इस वीडियो पे करा देना। और हाँ, अगर चैनल में तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना, बिकॉज इस चैनल में इस तरह के वीडियो हम लेके आते रहते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ।